पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चार धाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश आ रहे यात्रियों को ज़्यादा समय तक नहीं रोका जाएगा। वहीं चार धाम में आए श्रद्धालु अपनी मर्जी से कहीं भी रुक सकते हैं। उन्होंने सचिव और जिलाधिकारियों को ये भी सुझाव दिए कि तीर्थ यात्रियों को रोकने की बजाय आगे जाने दिया जाए। देखिए, चार धाम यात्रा बहुत तेज़ी से चल रही बढ़ रही है। जनता पूरी तरह टूट पड़ी है और थोड़ा सा इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें मैं अभी जब भ्रमण करके भी आया, मैंने DMSP अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक लिया, तो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अन्य जगह है, और जब दिखा तो यात्रा अच्छी हो रही है और पूरा देश का जनमानस यात्रा में आ रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं सरकार ने अच्छी की हैं, सब किया, पहले ही जगह जगह हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं, पानी का वो भी दिया, नल भी दिया, सब कुछ दिया।